देखिए दोस्तों, मैं फिर उपस्थित हूँ दादी माँ के चैनल पर। मैंने आज एक वीडियो इतना भयानक देखा है कि उसमें आप लोग भी देखोगे तो आपको भी गुस्सा आ जाएगी एवं उस बूढ़ी औरत पर दया भी आएगी। एक बूढ़ी औरत के गले में पट्टा बांध दिया है, एक रोटी के टुकड़े के लिए उसको खींचा जा रहा है और वो ऐसा लग रहा है जैसे कई दिनों से भूखी हो, वह रोटी के लिए आगे बढ़ रही है और ये लोग उसको दे नहीं रहे और खूब उसमें मार रहे हैं, खूब डंडों से पीटा जा रहा है। एक उसमें घास काटने की मशीन में भी उसको डालने की कोशिश की जा रही है और उसके से कई लोग देख रहे हैं, करोड़ों में इसका भी जा रहा है। इसको तो एक भी नहीं मिलना चाहिए था। कई लोगों ने इसकी बुराई भी करी है मगर उनको चैनल पे डजाने की मुझे जानकारी नहीं है। आप लोग इस वीडियो को देखिए पूरा और फिर उसका निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। जब आपने भारत में तो बुजुर्ग लोगों की इज्जत की जाती है और बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया जाता है, इसमें तो बुजुर्ग लोगों की बिल्कुल जानवरों से भी बेकार स्थिति कर दी है। इससे अपन बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे भी आगे चलकर दे सीखेंगे और बच्चों जो अपन जैसा करते हैं वैसे ही बच्चों के दिमाग में वो आ जाता है, तो वो भी ऐसे ही आगे चलकर पूरी अपना हिंदुस्तान ही ऐसा हो जाएगा। क्रांतिकारी ऐसी चीज़ें तो डालना नहीं चाहिए और डालते भी हैं तो किसी को देखने व्यू नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि एक वीडियो में इतने व्यू मिले हैं तो दूसरे लोग सोचते हैं हम लोग भी ऐसा करने लगे हैं तो हम लोगों को भी मिल जाएंगे। पैसे कमाने के लिए लोग कुछ भी करते हैं मगर नॉलेज की चीज़ें डालना चाहिए जिससे कि लोगों को नॉलेज मिले। नॉलेज करने से अपना देश भी अच्छा बनता है और अपन को शिक्षा भी अच्छी मिलती है, बच्चे भी अच्छे बनते हैं। इसलिए अधिक से अधिक जो हो तो नॉलेज की चीज़ें डालने की कोशिश कीजिए। एक वीडियो मैंने देखा था कि जिसमें जानवरों को बुरी तरह काटा जा रहा है, उसमें भी और जनता ने देखा कि इसके काटा है उसका शिकायत करी यूट्यूब पर, तो उसको उसका चैनल एक दिन में बंद कर दिया गया था। इसको चुटकियों में आप लोगों में इतनी ताकत है कि चुटकियों में ये चैनल बंद करवा सकते हैं। जैसा कि एक कहानी आपने सुनी होगी कि जैसे घर में अपने टूटे फूटे बर्तनों में बूढ़ी माँ को खाना देते हैं तो बच्चे भी टूटे बर्तन रख लेते हैं, कहते हैं कि मैं भी यही खा। ये मुझसे पूछा जाता है कि क्यों रखे हैं, कहने जब आप बूढ़े हो जाओगे मैंने आपके लिए संभाल के रखा है। ये बच्चों के दिमाग में आ जाती है मगर ये वीडियो यूट्यूब तक ये वीडियो डालना चाहिए कि ऐसे चैनलों को बढ़ावा ना दिया जाए। और यूट्यूब तो नहीं चाहता मगर उसको तक ये सूचना पहुंचाना चाहिए कि ऐसे चैनलों को तुरंत डिलीट किया जाए। आप मैं इसकी लिंक डाल दूंगी तो आप इनके वीडियो देखिए फिर आप निर्णय लीजिए। मेरे कहने पर नहीं चलिए क्योंकि पहले आप सच्चाई को देख लीजिए फिर इसके चैनल को डिलीट करवाना है, क्योंकि इससे हिंसा फैलती है और एक जने से कुछ नहीं होता। अपन ज़्यादा लोग जो मिलकर काम करते हैं वो तुरंत चुटकियों में वो वीडियो बंद हो जाएगा और उसका और आगे चलकर भी लोग नहीं बनाएंगे, नहीं उनको उत्साह मिलेगा। इसमें इतने व्यू मिलते हैं तो वो लोग भी देख देख के पैसे कमाने के लिए ऐसे ही वीडियो डालेंगे। अच्छे वीडियो में जो व्यू नहीं मिलते उससे अच्छे इनको ऐसे ही शिक्षाओं मिल जाएंगे, इसलिए इसको तुरंत डिलीट कराना चाहिए। मैं आइए मैं इसकी स्क्रीन पर चलिए मैं बताती हूँ कि इसकी रिपोर्ट कैसे की जाती है।